उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से उत्तर प्रदेश पुलिस का उदासीन चेहरा भी सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध ग्राफ कम करने के लिए कई मुकदमे दर्ज ही नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में रेप और गैंग रेप की घटना बहुत तेजी से आ रही है। 11 मई की बात करें तो हरदोई में परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर छात्रा के साथ रेप किया गया, तो अलीगढ़ में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती के साथ गैंग रेप किया गया, तो वहीं अलीगढ़ पुलिस का FIR लिखने में खेल करने का मामला सामने आया है। एक युवती के साथ गैंग रेप की घटना हुई जिसका आरोपियों ने वीडियो भी बनाया और धमकाने के लिए युवती तक को भी भेज दिया। गैंग रेप की घटना की शिकायत आला अधिकारियों से हुई लेकिन मुकदमा लिखने के आदेश के बाद थाना पुलिस ने गैंग रेप की घटना को छेड़छाड़ में दर्ज कर दिया। इतना ही नहीं, अब पीड़ित युवती पर फैसले का दबाव भी बनाया जा रहा है। दरअसल अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके के एक गांव में 14 अप्रैल को एक युवती खेत से अपने घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान युवती को गांव के ही नामजद दो युवकों ने रास्ते में पकड़ लिया और उसे जबरन कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई। नशे की हालत में युवती को खींचकर पास में ही जंगली झाड़ियों में ले गए और वहां जाकर युवती के साथ बारी बारी से दोनों युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें पीड़िता उसके साथ हो रही रेप की जघन्य घटना को अंजाम देने के दौरान वो विरोध दर्ज कराती हुई दिख रही है, लेकिन बहसी युवक जबरन बलात्कार कर रहा है। पीड़ित युवती का कहना है कि आरोपित युवकों ने घटना को अंजाम देने के बाद वीडियो फोटो बनाए और वायरल करके वीडियो युवती तक पहुंचाया। वहीं एक फोटो सोशल मीडिया पर अपने स्टेटस पर भी लगा डाला। ये सब देख शांत बैठी युवती व उसके परिवारजन क्षेत्र अधिकारी अतरौली के पास न्याय के लिए पहुंचे, जहां शिकायत पत्र में पूरी घटना बताई गई, लेकिन अतरौली थाना पुलिस ने गैंग रेप की शिकायत के बावजूद भी मात्र छेड़खानी व IT एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पीड़ित युवती का कहना है कि वो आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती है, वो आगे पढ़ना भी चाहती है। अगर उसे न्याय न मिला तो वो आत्महत्या कर लेगी। आपको बताते चलें कि युवती पर फैसला करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। जब मैं बागपत से अपने घर आ रही थी तो कैल में मुझे मंगल सिंह और वीरेश मिला। इसने वीरेश ने मुझसे बोला था कि कोल्ड ड्रिंक पी ले, मैंने मना किया था लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती से कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद मुझे धुंधला धुंधला सा फील होने लगा और मैं बेहोश हो गई थी। बेहोश होने के बाद मुझे नहीं पता इन्होंने मेरे साथ किया गया था, लेकिन बेहोशी से उठने के बाद मैं अपने घर गई थी, तब मुझे पता चला था कि इन्होंने कुछ वीडियो और फोटोज भी लिए हैं। दुष्कर्म करके इन्होंने कुछ वीडियोस भी बनाए थे मेरे और उन्हें वायरल कर दिए हैं। मेरे पापा मम्मी ने इन्हें घर बुलाया था वीरेश ने ये कहा था कि आपने कुछ भी कानूनी कार्रवाई की तो मैं जेल तो चला जाऊंगा, लेकिन जेल से आने के बाद मैं इस जिसको जान से मार दूंगा इस कोई को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सर मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दिलाइए वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। वहीं जब इस संबंध में क्षेत्र अधिकारी अतरौली शिव प्रताप सिंह से बात, उन्होंने युवती के भाई द्वारा शिकायत पत्र देने की बात कही और संबंधित थाना पुलिस को जांच पर मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिए। जब इस मामले पर क्षेत्र अधिकारी से पूछा गया तो रेप की घटना को संबंधित थाना पुलिस द्वारा छेड़छाड़ में दर्ज कर दिया गया है। इस पर क्या कहना है तो क्षेत्र अधिकारी शिव प्रताप सिंह थाना पुलिस को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने एक प्रार्थना पत्र मुझे दिया था जिसमें मैंने जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखा था, विधिक कार्रवाई करने के लिए। उनके थाने पर उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और उसकी व्यवस्था चल रही है। साक्ष्य के क्रम में जो भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सच ये भी है कि रेप की ज्यादातर घटनाएं पुलिस के चौखट पर पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि लोग इज्जत खोने के डर से होंठ सी देते हैं, और पीड़िता के थाने के चौखट पर पहुंचने के बाद भी मुकदमा दर्ज न करना ये पुलिस की कार्यशैली को दर्शाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।